निशंक स्टडीज। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द इक्विवेलेंट डिवीजन थ्योरम। इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा के नाम से भी आप इसको जानते हैं। दिस थ्योरम इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। इसका यूज क्यों किया जाता है? एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, किन्हीं भी दिए गए दो नंबर्स के बीच का जो एचसीएफ निकाला जाता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सो क्लास 9 स्टूडेंट विधि, श्रेयसी और राम, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे इन चीज़ों के लिए कि आप आज से ही क्लास अटेंड करें, प्रॉपर क्लास अटेंड करें। यू मेंटेन योर नोट्स वेल, आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं क्योंकि आपका बेटा बोर्ड क्लास है। और जो भी आपको डाउट है वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दो। आप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है क्लास का, आप उसमें लिखकर आंसर डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होता है कि एच सी एफ होता क्या है। फर्स्ट थिंग इज एचसीएफ क्या होगा, बाकी सारे बच्चों को पता रहता है पर कुछ के लिए अगर डाउट है तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ किसको रेफर करता है? हाईएस्ट कॉमन। 2 8 16, नाउ वी आर वेटिंग। अब आपके पास 18 है और 18 को आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 से इसको भाग देना है। सो 2 2 9 18 कहाँ तक डिवाइड होगा? 9 टाइम्स इट विल गोस। अब 9 आपको डिवाइड करना है, 9 3 के टेबल में आएगा, 3 3 9, अगेन 3 1 3 3। तो जब तक आपको एलसीएम निकालना रहता है, जब तक आपको 1 नहीं मिल जाता तो द एलसीएम ऑफ 36 इज ओवर। लेट मी फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 24 अगेन इट विल डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 2 2 4, देन 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, इट डिवाइड्स बाय 1 एंड इटसेल्फ। नाउ वी हैव द एलसीएम, अब हमारे पास इन दोनों नंबर्स के एलसीएम है। Let me write it, 36, LCM of 36, 2 into 2 into 3 into 3, 2 2's are 4, 4 3's are 12 or 12 3's are 36. The second number is 24, so let me find out the LCM, let me write the LCM of 24, 2 into 2 into 2 into 3. Now we have to find out the common factor, C refers common. कॉमन फैक्टर को हमें निकालना है, सो 2 इज कॉमन हियर अमंग बोथ, अगेन 2 इज कॉमन हियर और दिस 3 इज कॉमन है। तो जो कॉमन फैक्टर होंगे वो है 2 into 2 into 3। लेकिन अगर हम बात करें, बट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें किसके बारे में समझना है? यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में समझना है। सो 2 2 4 और 4 3 12, so which one is the highest common factor of 36 and 24? So the highest common factor of 36 and 24 is 12. So in this way we find out the HCF. इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं. But here in this chapter we have to use the equivalence division theorem to find out the HCF. अगर हम बात करें equivalence division theorem की, तो आप बुक में देखेंगे आपको बहुत सारी थ्योरीज के बारे में लिखी हुई है, लेकिन हमें उसके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्ट इज, जो इसका फैक्ट है वो सिंपल है, डिवीज़न मेथड। हम लोग पहले भी डिवीज़न पढ़ चुके हैं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न वी हैव टू यूज़ हियर, हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न यहाँ पर यूज़ करना है। एज इक्विलिस डिवीज़न थ्योरम क्या कहती है कि डिविडेंड इट इज इक्वल टू द डिवाइजर इन टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जहाँ पर जो रिमाइंडर है, वेयर रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है और इट मस्ट बी ग्रेटर, इट मे बी ग्रेटर देन जीरो, लेकिन इट इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। ये हमेशा डिवीजर से कैसा रहेगा? डिवाइजर से कैसा रहेगा? छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को अप्लाई करके, इस रूल को अप्लाई करके, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर। उसके पहले हम ये टर्म समझ लेते हैं, अगर आपको डाउट है तो इट इज इजी फॉर यू कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिविडेंड, व्हाट इज डिवाइजर, व्हाट इज कोशेंट एंड व्हाट इज रिमाइंडर हियर। चलो सपोज वी हैव टू नंबर्स, वी हैव टू डिवाइड 30 डिवाइडेड बाय 2। सो 30 को हमें किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। 2 से कितने टाइम जाएगा? 2 1 2 माइनस होगा, 3 2 इट गिव्स 1, लेट मी टेक 0 हियर, इट इज 10। सो 2 से 10 का टेबल, अगर 2 से आप पढ़ेंगे टेबल की 10 आ जाए तो 2 5 10, नथिंग इज लेफ्ट हियर, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर? ये 0 है। अब आप यहाँ पे देखिए 2 क्या कहलाएगा यहाँ पर? 2 कहलाएगा आपका डिवाइजर, 30 इज द डिविडेंड,
15 is the quotient. और whatever is left after the division, division के बाद जो कुछ भी बचा हुआ रहता है वो क्या कहलाएगा, जो undivided होता है, जिसे हम पूरी तरीके से divide नहीं कर पाते हैं. यहाँ पर cross की जगह we will put zero, आप zero भी लिख सकते हो. It is remainder. I hope अभी terms आपको बिल्कुल clear हो गई होंगी.